लैंडस्लाइड हो रही है पूरी, और ये देखो कितने खतरनाक लेवल पे पहाड़ों पे भाई बारिश हो रही है। अभी प्रिंस भाई डलवा रहे पेट्रोल डलवा के फिर हम लोग जा रहे हैं अभी ऋषिकेश निकल रहे हैं, और ये देखिए कितनी तगड़े लेवल की ग्रीनरी हो रही है भाई। So, hello everyone, welcome to Rahul DDL TV. और once again अभी व्लॉग खत्म कर रहा था और व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा मैं आया था दिल्ली से हरिद्वार, और अब जा रहा हूँ हरिद्वार से ऋषिकेश। तो ये है सेम डे है बेसिकली व्लॉग, आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा उसके लिंक में आप देख सकते हो दिल्ली टू हरिद्वार का ट्रिप मेरा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश, और पीछे है मेरे साथ मेरे भाई प्रिंस भाई इन द हाउस। भाई का मैं बताता हूँ, प्रिंस भाई है अपने जो ये हरिद्वार रहते हैं, आज इनके साथ घूमेंगे हम लोग, और भाई से बहुत पुराना यहराना है और साथ में बहुत डांसिंग करा है भाई, डांसर है। और तो भाई के साथ हम लोग घूमेंगे, भाई घुमाने वाले हैं अपनी हायाबूसा पे। ये देखिए ये है हमारी हायाबूसा, ठीक है आज की ट्रिप की। तो हम लोग दो दिन उत्तराखंड में हूँ मैं बेसिकली आज और कल। तो प्रिंस भाई ऐसी ऐसी जगह दिखाना मतलब जो ऑडियंस को ना मजा आ जाए, मतलब ऐसे ऐसी लोकेशन हम लोग फाइंड आउट करके दिखाएंगे जो आप लोगों ने नहीं भी देखी होगी, बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूज होंगे। तो चलो और चलते हैं ऋषिकेश, चलिए। तो गाइस ये आ चुके हैं हम लोग हर की पौड़ी के पास, और ये क्रॉस कर रहे हैं हम लोग हर की पौड़ी। ओम नमः शिवाय, जय भोले। वो जो पहाड़ पे आपको छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा वो बेसिकली मनसा देवी है, और इधर से आपको मैं दिखा नहीं सकता, बहुत दूर है पहाड़, बहुत दूर है, वो वाइट सा दिख रहा होगा आपको स्पॉट और होगा, वो चंडी देवी है। तो दोनों आमने सामने ही है, मनसा देवी ये रहा और चंडी देवी, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो वाइट सा दिख रहा है ये चंडी देवी, ये देखो पानी का फ्लो देखो, ओ भाई खतरनाक। और ये आगे हर की पौड़ी, यहाँ पे देख के पानी का फ्लो देख के बंदा हिल जाए, इसका मतलब गाइस पानी बहुत ज्यादा है, बहाव बहुत तेज है भाई, बहुत तगड़े लेवल का देखो बहाव, देखो गाइस यार बहाव देखो कितना तगड़े लेवल का पानी का फ्लो आ रहा है। उधर पीछे है हर की पौड़ी, अभी हम हर की पौड़ी पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट ऋषिकेश। रुपेश भाई अब तुम्हारा भाई कर रहा है ड्राइव, और प्रिंस भाई को बिठा दिया पीछे, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, थोड़ी सी दूर रह गया ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश का रास्ता, और ऋषिकेश में करेंगे आज रात का चिल, और स्टॉप आज रात का वो है ऋषिकेश में। ऊपर पहाड़ों पे हो रही है बारिश, जितने भी लोग नीचे आ रहे हैं ना सब भीगते हुए आ रहे हैं, तो ऊपर पहाड़ों पे हो रही है बारिश। गाइस ये देखो पहाड़ों का वेदर भाई, खतरनाक मौसम वेदर हो रखा है यहाँ पे, यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है पूरी, और ये देखो कितने खतरनाक लेवल पे पहाड़ों पे भाई बारिश हो रही है, और ये देखो अभी भाई, और ये देखो फोटो ये झंडा, अभी हम जा रहे थे देखो कहाँ पहुंच गए बद्रीनाथ, पर बद्रीनाथ की जगह अब यहाँ पे हो रहा है, ये ताजा पानी का झरना आ रहा है भाई, पहाड़ों से आ रहा है ऊपर से, और प्रिंस भाई हमारे बोतल भर रहे हैं, प्यास लग रही है। तो हम लोगों ने सोचा था अभी हमने रूम भी नहीं लिया, मैं सुबह से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग करते हुए पूरे मुंह पे डस्ट का मेकअप हो चुका है बहुत तगड़े वाला, कहीं नहीं नहाए ना कहीं नहीं कुछ हुआ, मन तो ये कर रहा है यहाँ बैठ के नहा लूं भाई, प्रिंस भाई यही नहा लेते हैं, सबसे बढ़िया झरना है, और ये है शुद्ध पानी, ताजा पहाड़ों से आता हुआ पानी। गाइस नहा तो पाए नहीं है, अब एक काम करते हैं इसे मुंह धो के काम चला देते हैं। ओ भाई ताजगी मिल गई है सुबह से, अब जाके मुंह धोया है, और ये देखो ये सारा पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ों से, और हमने वहां पे स्कूटी लगाई है, और ये धोके यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, और ये रास्ता जा रहा है बेसिकली बद्रीनाथ केदारनाथ। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मैगी पॉइंट के लिए, ऊपर तो है नहीं, पहाड़ों की मैगी खाने जा रहे हैं, और बहुत ही खतरनाक लेवल का वेदर है, ठंडी हवा चलने लगी है भाई, यार व्यू देखो क्या व्यू है, मतलब अमेजिंग वेदर एक नंबर है, पर बारिश ना मिले एक नंबर वेदर हो रखा है, फाइनली हमें मिल गया मैमी पॉइंट,
मैगी पॉइंट। तो भाई पूछ लो कितने कितने के भाई मैगी मसाले के साथ 50 और प्लेन 30। क्या लेना है बताओ? प्लेन पर मसाले वाली, मसाले वाली बना दो, दो दो मैगी। तो भाई ये पहाड़ों की मैगी है, पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे हम लोग। स्कूटी से आए राइड करते हुए, तो अब मैगी पॉइंट पे मैगी का वेट करते हैं। देसी देसी टेबल है ये टायर के ऊपर, और ये देखो यहाँ से व्यू देखो, और यहाँ इस व्यू पे आप लोग खाओगे मैगी हमारे साथ। यहाँ का व्यू देखो भाई, ये देखो प्रिंस भाई, आपके पीछे का बैकग्राउंड पता है कितना सॉलिड आ रहा है भाई, एक नंबर। ये देखो गाइस, ये देखो बैकग्राउंड देखो, और यहाँ लगेगी अभी हमारी मैगी, और ये देसी टेबल होगी हमारी, और ये देखो व्यू पहाड़ों के बीच में मैगी। इस मैगी ब्रेक हो गया डन, और अब हम जाने हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे रूम, क्योंकि हमारे पास रूम नहीं है। रूम लेके फिर आगे जाएंगे, फिर ऋषिकेश में। आज का स्टे बेसिकली हमारा ऋषिकेश है, तो थोड़ा साइड व्यू वगैरह देखेंगे ऋषिकेश में। नाइट का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा ऋषिकेश का। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग अपना रूम। हमें होटल मिल गया है, और होटल तो मिल गया है इस होटल का, क्योंकि हमें एक रात रुकना था ऋषिकेश में, और रात हो ही चुकी है। तो हम मैंने और जल्दी से रूम ले लेते, बट जो रूम का प्लस पॉइंट है उसका व्यू देखो, बालकनी से व्यू, और ये देखिए व्यू। तो प्लस पॉइंट ये है कि ये व्यू बड़ा प्यारा है, जो कि जल्दी से नहीं मिलता। तो रिवर पूरी ऋषिकेश की, गंगा रहती हुई हमारे रूम के बाहर से। होटल से आ गए बाहर, और अब कर रहे हैं हम लोग स्कूटी राइड, और अब कर रहे हैं हम लोग स्कूटी राइड। और अभी हम लोग छोटी वाले रेस्टोरेंट में, छोटी एंटीना छोटी वाले बाबा का छोटी खड़ी है, तो ये है छोटी वाले बाबा। तो ये देखो अलग ही है, क्या है बाबा, क्या कहते हैं प्रिंस भाई, बाबा है कौन है? छोटी वाला रेस्टोरेंट, छोटी वाला रेस्टोरेंट भाई। यहाँ सब छोटी बना के बैठे हुए हैं, तो चोटी वाले दो दो जने दिखाए मैंने आपको चोटी, और ये आ गए हम लोग राम झूला पे। भाई अभी हम लोग ले रहे हैं स्ट्रीट फूड, ये यहाँ पे स्ट्रीट फूड बन रहा है, और ये कैलाश गेट है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी लगवाए अपने बर्गर, और स्ट्रीट फूड तो भाई हर जगह का बेस्ट। जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, सबसे बढ़िया बात गंगा चाट भंडार के नाम से अंकल जी की है। अभी हमने ये तो नहीं खाया बर्गर कैसा है उसका रिव्यू दूंगा, बट हमने पी है जो दिल्ली से आ रहे हैं भाई, गोलगप्पे सबको अच्छे लगते हैं। तो पानी एक नंबर है अंकल जी का, पानी में चटकारा आ जाएगा। और ये बन रहा हमारा बर्गर,